Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic from the business studies from chapter number 2, and that topic is principles of scientific management by Taylor. तो आखिर टेलर के जो scientific management के principles हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो total हमें यहाँ पे 4 principles पढ़ने होंगे, जिसमें सबसे पहला principle होगा हमारा science not rule of thumb, second होगा अपना harmony not discord, और इसके अलावा थर्ड जो आपका प्रिंसिपल होगा वो होगा आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और इसके बाद हम लोग लास्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच आर डेवलप्ड बाई एफ डब्ल्यू टेलर, जिसके एक तरह से जो डेवलपर हैं या फाउंडर हैं वो कौन है, एफ डब्ल्यू टेलर। तो उन्होंने सबसे पहला प्रिंसिपल जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नेम है यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थम। साइंस के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और उसके बाद लिखा है नॉट रूल ऑफ थम। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैनेजर को अपना मतलब एक रूल ऑफ थम और अपना जो पर्सनल इंट्यूशन है, पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस, उसका यूज़ नहीं करना, बल्कि एक साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है, साइंटिफिक स्टडी करनी है, उसके हिसाब से जो बेस्ट मेथड है और जो भी मतलब बेस्ट वे है फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, हमें वो सिलेक्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थम में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म इन दी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। उन्होंने कहा जो भी जॉब परफॉर्म की जा रही है, जो भी टास्क परफॉर्म किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होना चाहिए एंड नॉट ऑन इंट्यूशन ऑफ मैनेजर, और मैनेजर की इंट्यूशन पे बेस्ड ना हो, उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड ना हो, और इसके अलावा हेड और मिस मेथड का यूज ना किया गया हो, ठीक है। और यहां पे सबसे बड़ी जो बात की गई है, जैसे उसके बारे में बात करेंगे, तो यहां पे क्या बोला गया है कि ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कि कुछ भी करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में पूरे ढंग से सोचना है, और विच इज नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थम, जो कि हालांकि रूल ऑफ थम मेथड में नहीं होता है। रूल ऑफ थम मीन्स क्या है, तो रूल ऑफ थम मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, यानी कि मैनेजर की तरह डिक्टेटरशिप की जो उसके दिमाग में आया, जो उसे सही लगा वो उसने अप्लाई कर दिया, जबकि वो शायद गलत भी होगा, ठीक है। वेयर इज जबकि साइंटिफिक डिसीजन जो होते हैं वो बेस्ड किस पे होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स एंड वेज ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेलर का क्या मानना था, तो उसके बारे में बात करें, तो टेलर इंसिस्ट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो टेलर किस पे फोकस करते थे कि साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए इन टू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। करेक्ट, टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ढंग से समझिएगा। टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। उन्होंने कहा एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के लिए एक हमेशा कोई ना कोई बेस्ट मेथड होता है, हमें वही मेथड सेलेक्ट करना है, एंड दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड, इसको हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस, ठीक है। और दिस द मेथड सो डेवलप्ड शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ थम, और वो कहीं ना कहीं रूल ऑफ थम का एक तरह से सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बताया गया है, तो एग्जाम्पल में जैसे कि इन रूल ऑफ थम द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पास्ट एक्सपीरियंस। तो किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड टास्क है वो एक तरह से मैनेजर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे क्या कर सकता है, डिसाइड करता है। और जबकि यहाँ पे टेलर का मानना क्या था कि टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी। तो उसके लिए एक प्रॉपरली टाइम स्टडी होनी चाहिए। टेलर इंसिस्टेड दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन द डेज टारगेट शुड बी फिक्स, और उसके बाद में एक जो भी डे का टारगेट हो वो फिक्स करना चाहिए, क्लियर। तो ये चीज आपकी हो गई है, ये अपना फर्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हो गया है। केस स्टडी एक बार इसकी रीड करते हैं। केस स्टडी में बोला गया कि रोहन इज डिजायरस ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग मटेरियल। तो एक रोहन है जो एक तरह से एक स्मॉल फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं और जो इस मैन्युफैक्चर करेगी पैकिंग मटेरियल्स को, और ही प्लान टू यूज़ लॉजिकल अप्रोच, और वो बंदा एक लॉजिकल अप्रोच को अडॉप्ट कर यूज़ करे करने की प्लानिंग कर रहा है, एंड टेक एवरी डिसीजन विद फैक्ट एंड फिगर्स, और कोई भी डिसीजन लेगा तो फैक्ट एंड फिगर्स पे बेस्ड होंगे विद प्रॉपर रीजनिंग रेदर देन रिलाइंग ऑन हिट और मिस मेथड। तो बोला गया स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय रोहन। तो भैया रोहन कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज
साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, क्लियर। अब इसके बाद हम बेटा बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की। सेकंड हमारा कौन सा है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या है, इसमें एक चीज आपको समझनी है। जैसे कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल ये बोलता है कि देखो हार्मनी का मतलब है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि देयर शुड बी हार्मनी अमंग द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच हार्मनी की जरूरत है, एक प्रेम भाव की जरूरत है, मिलजुल के काम करने की जरूरत है, ठीक है। नॉट डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा नहीं करना। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स, मैनेजमेंट ग्रुप्स एंड एम्प्लॉइज ग्रुप, ठीक है, वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पे दो लोग, दो ग्रुप काम करते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप और एक कौन सा बताया मैंने, यानी कि एक एम्प्लॉइज ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉइज ऑलवेज थिंक दैट दे आर ओवरबर्डन्ड एंड पेइंग लेस, के वो ओवरबर्डन है उनको कम पेमेंट किया जा रहा है। और जबकि मैनेजमेंट क्या सोचता है, मैनेजमेंट ऑलवेज थिंक दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। तो इससे क्या होता है कि दोनों के एटीट्यूड, वो द ग्रुप्स वर्क्स एज अ राइवल, ठीक है, दोनों एक तरह से राइवल के रूप में काम करते हैं। जब दोनों राइवल के रूप में काम करते हैं तो उससे होता क्या है, तो उन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाते। तो उन्होंने कहा है कि भाई दोनों को एक तरह से एक हारमनी, एक तरह से मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है और प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट हो और अगर जैसे मैनेजमेंट को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो, जैसे कि ये इमेज आप सामने देख रहे हो, तो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है तो शेयरिंग ऑफ गेन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स लीडिंग टू कंपनी हारमनी, तो उसको मैनेजमेंट को अपना वो गेन, जो एक्स्ट्रा गेन है वो वर्कर को शेयर करना चाहिए। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हो एज अ बोनस वो शेयर कर रहा है, तो इससे क्या रहेगी हार्मनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर, जो साथ साथ काम करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मस्ट वर्क इन हार्मनी, उनको हार्मनी में काम करना चाहिए, इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आगे बोला गया जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से दो ग्रुप होते हैं, उन्होंने बताया कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो आगे जैसी की बात की जा रही है, एक मिनट, हाँ जी, तो एक जैसे कि अभी मैंने बताया था, एक मिनट मैं अभी जस्ट शो कर रहा हूँ आपको, हाँ जी, अब देखिएगा आप। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। तो दो ग्रुप ही तरह से काम करते हैं, एंड बोथ द ग्रुप वर्क्स एज राइवल ऑफ ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के एज अ प्रतिद्वंदी के रूप में काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर की थिंकिंग होती है, वर्कर ऑलवेज फील दैट दे आर अंडरपेड एंड ओवरबर्डन विद द वर्क, एंड मैनेजमेंट ऑलवेज फील दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। तो इन दिस प्रिंसिपल टेलर का मानना क्या था, टेलर इंसिस्ट दैट देर इज नीड फॉर और बोथ दी ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड ऑफ फॉर ईच अदर, दोनों के दूसरे के प्रति एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, वर्कर ग्रुप को, मैनेजमेंट ग्रुप को। और ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर, दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड वर्क विद हारमोनी एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड एज देयर ऑब्जेक्टिव आर इन वन डायरेक्शन ओनली, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एक तरह से अचीव करना। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन, और जैसे कि साफ साफ बोला गया है यहाँ पे कि मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स, एट द सेम टाइम वर्कर मस्ट कंट्रीब्यूट टू देयर वेस्ट लेवल। तो जिस तरीके से इसमें आप देख रहे हो इमेज में शेयरिंग ऑफ गेन बिटवीन मैनेजमेंट, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है अगर उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो वर्कर्स को जरा अपना गेन भी शेयर करें। और टेलर फील्स दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये चीज इसमें बताएगी। अब आगे जैसे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर इज टू अर्न मोर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव वर्कर का क्या होना चाहिए, ज्यादा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर इज टू अर्न मोर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमम प्रोडक्शन, और मैनेजमेंट का कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो दोनों का एक तरह से बेनिफिट होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बताएगा इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर ईच अदर, ऑब्जेक्टिव वर्कर्स कैन अर्न मोर बाई प्रोड्यूसिंग मोर विच विल हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन ऑल्सो। और इसके अलावा देयर मस्ट बी पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, और एक चीज़ और बताएगी कि
यहाँ पे कौन सी स्टाइल होनी चाहिए, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एज इन केस ऑफ जापानीज कंपनी, इनकी पितृात्मक एक तरह से स्टाइल होनी चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है, जापानी कंपनी में एक तरह से उन्होंने बताया कि अगर वर्कर्स मतलब सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो काम बंद नहीं करते, स्ट्राइक पे नहीं जाते, बल्कि ब्लैक रिबन बांध लेते हैं, और वो ये शो करता है कि वो मतलब कंपनी की पॉलिसी सेटिस्फाई नहीं है, और उसके अलावा मैनेजमेंट को समझता है और उनके जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है उनको सॉर्ट आउट करता है। तो इन जापानीज कंपनी दिस प्रिंसिपल इज प्रैक्टिसेस एज हेयर मैनेजमेंट ट्रीट वर्कर्स एज पार्ट ऑफ देयर फैमिली एंड वर्कर्स ऑल्सो डू नॉट शो देयर एगिटेशन बाई गोइंग ऑन स्ट्राइक, रेदर दे टाई अ ब्लैक रिबन टू शो देयर डिससेटिस्फेक्शन एंड गेन सिंपैथी ऑफ मैनेजर। मैनेजर्स मस्ट वर्क ऑलमोस्ट साइड बाई साइड विद दी वर्कर्स, हेल्पिंग एंड इनकरेजिंग देम। क्लियर। इसके बाद इसकी केस स्टडी बताएगी कि स्टडी में क्या लिखा है कि एबीसी लिमिटेड अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज बीन एस्टेब्लिश फॉर मोर देन 10 ईयर्स, और हैविंग मेड गुड प्रॉफिट इन द पास्ट कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड फर्दर एंड हैंस डिड नॉट डिक्लेयर बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर। हालांकि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन फिर भी कंपनी ने वर्कर्स को एक तरह से बोनस के रूप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। आगे लिखा था वर्कर्स गॉट एगिटेटेड एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर स्ट्राइक। इससे क्या हुआ कि ट्रेड यूनियन स्ट्राइक डिक्लेयर करती एंड डिमांडेड बोनस एंड अदर फैसिलिटी, द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इन टू देयर डिमांड्स, और मैनेजमेंट ने साफ मना कर दिया उनकी डिमांड को सुनने से। तो विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड इन द गिवन केस, तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो भैया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो कॉपरेशन जो नॉट इंडिविजुअलिज्म है, तो यहाँ पे किसके कॉपरेशन की बात हो रही है, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स की। एक्चुअली जो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल प्रिंसिपल है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉपरेशन, जो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल प्रिंसिपल है इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक तरह से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, और यहाँ पे एक तरह से मैनेजमेंट और वर्कर्स में आपस में कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है। तो दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉपरेशन विथ ईच अदर और विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। वर्कर एंड मैनेजमेंट या मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कॉपरेशन। तो यहाँ पे जो वर्कर हैं और इसके अलावा जो मैनेजर्स हैं, उनको एक तरह से जो काम है वो कैसे करना चाहिए, कॉपरेशन में काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो वर्कर्स एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कॉपरेशन, द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप स्टैंडर्ड टास्क। का भी खास तौर से ध्यान रखना है, कोई भी स्टैंडर्ड टास्क सेटअप करने से पहले सबसे पहले मैनेजमेंट को वर्कर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए फॉर देम, बिकॉज व्हेन स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स आर सेटअप इन द कंसल्टेशन ऑफ वर्कर देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। तो वर्कर अपने आप काम करेंगे। कहने का मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी उन्हें टास्क दिया जा रहा है, तो उसके पहले अगर एक प्रॉपरली मीटिंग हेल्ड करके अगर उनके एक बार थॉट सुन लिए जाएंगे, विचार सुन लिए जाएंगे और उनके सजेशन सुने जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि वर्कर्स उसको एक तरह से परफॉर्म करेंगे टास्क और मना नहीं करेंगे। टू हैव कॉपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन। साफ साफ लिखा है कि टू हैव कॉपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम द गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन। और जैसे कि फ्यूल ने एक दिया था प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, उसी तरीके से ये वाला प्रिंसिपल है। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड, देर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। उन्होंने कहा एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में, कि अगर वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम है तो जरा वो सुनी जानी चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में सामने, आगे बोला गया अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। और इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क हो, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ऑल दी डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाई साइड विद वर्कर्स, हेल्पिंग इनकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे ऑफ वे फॉर देम। एग्जाम्पल जैसे लिखा है कि वाइल असाइनिंग जॉब टू वर्कर्स, तो वर्कर्स को जॉब असाइन करते समय उन्होंने आगे क्या लिखा है कि वाइल असाइनिंग जॉब टू द वर्कर्स मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड देन वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो उन वर्कर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही जॉब असाइन की जानी चाहिए। डेफिनेटली इससे होगा क्या कि द वर्कर्स विल परफॉर्म इट मोर एफिशियंटली, तो ज़्यादा एफिशियंटली होकर काम करेंगे। आगे इसकी स्टडी बताई गई कि द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूलर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री।
वन बिलीव्ड दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज, व्हाइल द अदर सजेस्टेड दैट अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वेयर बाय सजेशन विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल टाइम और कॉस्ट रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड. तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल रिफर टू इन दिस पैराग्राफ. तो ये भैया यहाँ पे इसकी फ्यूल का हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इसका हो जाएगा यानी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल. अब हम लास्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. तो यहाँ पे वर्कर्स के डेवलपमेंट की बात हो रही है. उन्होंने कहा कि वर्कर्स को मतलब उसके एफिशिएंसी लेवल पे भी ध्यान देना चाहिए, उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग वगैरह करानी चाहिए वर्कर्स को, ठीक है. और ये यही सारी चीज़ों के बारे में. तो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी उनका डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, और उनका इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी है वो वर्कर की एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है. एंड वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन. और जो वर्कर की एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वर्कर की जो एफिशिएंसी है डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड द सिलेक्शन पे. उन्होंने बोला टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय. उन्होंने कहा कि वर्कर्स का सिलेक्शन करते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. और इसके बाद उनको सिलेक्ट करने के बाद उन जो जिस फील्ड का बंदा है, जिसके पास जैसी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से ही उसको जॉब असाइन करनी चाहिए. एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज. उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पे भी भेजना चाहिए. जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में हर साल वर्कर्स की जो एम्प्लॉयज होती हैं उनकी ट्रेनिंग होती है. दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशियंसी प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स. इससे एक तरह से एफिशियंसी लेवल मतलब दोनों ही का बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, कंपनी का भी फायदा होगा और वर्कर्स का भी अपना फायदा होगा कि उनका एक तरह से उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है. तो इस तरीके से हमारी ये फोर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरी वन.